गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज की डेट है जुलाई 21। सो लेट्स बिगिन अवर करंट अफेयर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडियन नेवी, एक एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड हुई है, उसका नेम है पासेक्स। इसे पासिंग एक्सरसाइज कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म पासेक्स है। ये हुई है इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी बैटल ग्रुप के बीच में। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक ए मालाबार एक्सरसाइज जो कि हर साल या फिर रेगुलर बेस पे हेल्ड की जाती है। ये कभी कभी होती है। एंड ये अभी एक काफ़ी अच्छी बात है कि यूएस के बीच में यूएस स्ट्राइक ग्रुप जो है, स्ट्राइक ग्रुप और जिसमें आता है यूएस का निमित्स, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, एंड इंडिया का विक्रमादित्य, एनएस विक्रमादित्य, इन्होंने मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। एंड ये ऑफिशियली ट्वीट किया है इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन ने अपने ट्विटर हैंडल पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिमिलर एक्सरसाइज इंडिया कर चुका है जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ एंड फ्रेंच नेवी के साथ भी, अभी कुछ टाइम पहले ही। तो ये क्या चीज़ है और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। मैं आपको एरिया दिखाता हूँ कहाँ पे हुई है। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे ये, जहाँ पे ये कर्सर बना हुआ है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो हमें इस चीज़ से ये ज्योग्राफी का भी एक पॉइंट याद होना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का मलेशिया एंड ये सिंगापुर के बीच में है। तो ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का मैक्सिमम इम्पोर्ट होता है और एक चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट रूट है। तो यहाँ पे जो शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं हम इस एक्सरसाइज को, ये यूएस और इंडिया ने जो मिल के किया है, वो एक चेतावनी भी है चाइना के लिए कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप याद रख लीजिए, मलेशिया एंड सिंगापुर के बीच में है। नेक्स्ट न्यूज़ जो अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में चल रही थी कि पहला स्पेस मिशन जो है यूएई का, अरब कंट्री का, वो पोस्टपोन हो रहा था, दो बार पोस्टपोन हो चुका था, तो अब वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। उसका नेम अनमैंड प्रोब का नेम है होप, और ये इसको अरबी भाषा में अल अमाल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, ये अरब का पहला मार्स के लिए एक मिशन है, फर्स्ट अरब स्पेस मिशन है ये। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसका नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होप, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। एक हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हमने बताई थी कुछ दिन पहले इसी न्यूज़ में, कहाँ से ये लॉन्च हो रहा है? ये तनगेजिमा स्पेस क्राफ्ट से लॉन्च हो रहा है जो कि जापान के एक आइलैंड में है, तनगेजिमा आइलैंड में। ओके, तो ये उसकी इमेज है। जो एक न्यूज़ अभी रिसेंटली चल रही थी जिसमें ईरान ने अभी इंडिया को हटाया था जो छाबार रेल प्रोजेक्ट है उसमें से, तो बट अब एक नई न्यूज़ आई है, ईरान का बयान आया है कि इंडिया को उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया काम कर सकता है छाबार लाइन में, ये रेलवे चीफ ने बताया है। द रिमार्क कॉन्ट्रडिक्टेड ईरान ऑफिशियली हु हैड प्रीवियसली सेड इंडिया वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इंडिया को प्रोजेक्ट से हटाना, इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहा गया था पहले, बट अब ये कहा है कि ईरान रेलवे मिनिस्टर सेड ईरान एंड इंडिया आर डिटरमाइंड टू कंटिन्यू कोऑपरेशन ऑन द रेलवे लाइन। तो इस रेलवे लाइन के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये रहा छाबार प्रोजेक्ट और ये रहा छाबार पोर्ट, ये रहा हमारा प्यारा सा इंडिया। यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ से कंडाला के पोर्ट से डायरेक्ट यहाँ पे शिपिंग की जाती है, एंड यहाँ से जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था वो इस पोर्ट से, छाबार पोर्ट से होते हुए ये देखिए जहेदान तक, एंड जहेदान से काबुल तक, ये काफ़ी बड़ा ट्रैक बन रहा था, बट इंडिया का जो बात हुई है, इंडिया का ईरान के साथ, वो जहेदान तक हुई है। बिकॉज
ये इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहता है, डायरेक्ट जो भी अफगानिस्तान से कांटेक्ट हो ईरान के थ्रू यहाँ से हो जाए वो चीज़ इंडिया के पक्ष में है, इसलिए इंडिया इस प्रोजेक्ट में था। बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो रहा था, और न्यूज़ में ये आया अभी रिसेंटली कि ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से हटाया है। पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि हटाया था, बट कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को खुद से ही डेवलप करेंगे, बिकॉज इंडिया काफ़ी लेट कर रहा है फंडिंग में, और काफ़ी सारे और पॉइंट भी बताए थे। बट अब ईरान का नया बयान आया है कि इंडिया एंड ईरान फिर से इस प्रोजेक्ट में साथ हैं और वो इसे साथ मिलके करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आई है रफेल से रिलेटेड। रफेल जुलाई 29 तक 5 रफेल्स इंडियन एयरफोर्स में आ जाएंगे, ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। एक चीज़ और न्यूज़ आई है, विलेज नियर गिर सेंचुरी ऑप्ट्स फॉर 4-day lockdown। गिर सेंचुरी के पास में जो विलेज हैं वो 4 दिन के लॉकडाउन में जा रहे हैं। गिर सेंचुरी इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है गिर सेंचुरी? एक नेशनल पार्क भी है एंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम सासान गिर भी है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लीजिए। इसका नाम क्या है? सासान गिर। एंड ये एक कहाँ पे है? ये तलाला गिर गुजरात में स्थित है। गिर सेंचुरी फेमस किस लिए है? गिर सेंचुरी, गिर सेंचुरी पूरे अर्थ में एशियाटिक लॉयंस का एकमात्र नेचुरल हैबिटाट है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, एकमात्र नेचुरल हैबिटाट है पूरे अर्थ में एशियाटिक लॉयंस का, और अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पे आता है लॉयंस का, ठीक है? लॉयंस का तो दूसरे नंबर में है। एक वाइल्ड जैसे अफ्रीका में ओपनली लॉयंस घूम सकते हैं, और उनका जो एक हैबिटाट है पार्क में सेंचुरी में वो एक ओपन हैबिटाट है। तो ये इंडिया दूसरे नंबर पे है, गिर सेंचुरी दूसरे नंबर पे है, बट एशियाटिक लॉयन का ये पहला वर्ल्ड में इकलौता नेचुरल हैबिटाट है। नेक्स्ट न्यूज आई है श्रीलंका से। श्रीलंका के साइंटिस्ट एविएशन अथॉरिटी जो है उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं रावण के एविएशन रूट पे। तो वो रावण के एविएशन रूट पे क्या रिसर्च करना चाहते हैं? ये जो स्टोरीज हैं किंग रावणा की और उस उनके एंशियंट डोमिनेशन एरियल रूट्स की जो अब खो चुके हैं उसके बारे में वो स्टडी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वी आर द मेन एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इन श्रीलंका सिंस देयर आर मल्टीपल स्टोरीज ओवर द एयर्स अबाउट रावणा फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड द कन्वरिंग दीज रूट्स, वी वॉन्ट टू स्टडी दीज मैटर्स। तो सारे रूट्स पे एक बार सर्च करना चाहेंगे। एक चीज़ इसमें से न्यूज़ में से इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रावणा वन नेम है उनकी श्रीलंका की पहली सैटेलाइट का। श्रीलंका नेम्ड इट फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट लास्ट जून, जो लास्ट जून 2019 जून में लॉन्च की गई थी, उसका नेम है रावणा वन। T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गया है, अभी जिसने होना था अक्टूबर नवंबर में, बट अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट ईयर है, ये चीज़ याद रख लीजिए, ये न्यूज़ में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन बनेगा इस पर, बिकॉज 2 साल का पोस्टपोन हुआ है तो बन जाता है ऐसे क्वेश्चन कि 2 साल बाद कहाँ है या ये कौन से ईयर में कंडक्ट होने वाली है। पॉसिबल क्वेश्चन आज के देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है? सासान गिर। और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और फेमस किस लिए है? एशियाटिक जो लॉयन है उनका एकमात्र नेचुरल हैबिटाट है ये। पासेक्स क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी इंडिया इंडियन नेवी और यूएस नेवी बैटल ग्रुप ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वहां पे कंडक्ट हुई है, और कौन से में हुई है अगर आपको बताएं, याद होगा आपको कि ये चीज कंडक्ट हुई है इन स्ट्रेट ऑफ मरक्का, राइट? मलक्का, MALACCA, इन स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ओके। और ये कहाँ पे है? ये है मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है? तो ये चीज हमें याद रखनी है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें INS विक्रमादित्य इंडिया का शिप जो है उसने पार्ट लिया है। T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गए हैं 2022 तक। ODI जो वर्ल्ड कप है 23 का वो
कहाँ पे कंडक्ट होगा? इंडिया में कंडक्ट होगा, वो भी फेब और मार्च में होना था, बट वो भी अक्टूबर नवंबर में पोस्टपोन हो गया है। बट ईयर अभी पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो ओडीआई वर्ल्ड कप 23 का इंडिया में कंडक्ट होगा। रावणा वन का नेम और क्या है? बर्ड एल के ए। बर्ड एल के ए इज ऑल्सो नोन एज रावणा वन। रावणा वन क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट है श्रीलंका की, जो उन्होंने लास्ट ईयर जून में लॉन्च की थी। तो एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, पासेक्स जो एक्सरसाइज है जो अभी इंडिया ने कंडक्ट करी है यूएसए के साथ, ऐसे ही दो एक्सरसाइज एक जापान मैरिटाइम डिफेंस फोर्सेस के साथ कर चुका है, एंड एक फ्रांस के साथ भी इंडिया कर चुका है। तो ये तीन कंट्रीज के साथ कर चुका है, जापान, फ्रांस एंड यूएसए। आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हैं द हिंदू में, दो आप आर्टिकल ये पढ़ सकते हैं। एक आर्टिकल तो प्राइवेटाइजेशन पे है, कैसे करके जो चीज़ें इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, और सम सर्विस इंडियन रेलवे की कुछ सर्विसों को प्राइवेटाइज जो करने का प्लान चल रहा है वो कैसा रहेगा, क्या उसके आउटकम्स आएंगे, सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस हैं। हेल्थ केयर के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आया है कि कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे सवाल उठ चुके हैं हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पे। ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा। दो आर्टिकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में, एंड काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं। जो जो रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में होने चाहिए, जो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हमारा अभी इंडियन एग्रीकल्चर, और इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, इस चीज़ का सारे इन आर्टिकल्स में गिवन है। तो ये चारों आर्टिकल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा एज मच एज यू कैन, ताकि और लोग भी इन चीज़ों को देख सके और अच्छे से चीज़ें समझ सके। हमारा मकसद यही है कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर को एनालिसिस करके उसके करंट अफेयर क्वेश्चंस आपको बताएं, एंड ये एक हैबिट बन जाए आप लोगों की कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस ढूंढ के उनको आंसर कर सके। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज एंड डेली एमसीक्यूज हम कंडक्ट करवाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको उन्हें ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, आप वहां पे से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और डेली कुछ एमसीक्यूज दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।